अल्लाम आलकम वल् वा आज हम करेंगे जमा के सवाल आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस जिसके नौ से ज़्यादा नंबर होते हैं नौ से ज़्यादा होते हैं तो उनका कैलिए होता है नौ से ज़्यादा पीछे होते हैं तो उनका कैद नहीं होता नौ से कम हो, हो। फिर भी उनका कैद नहीं होता और जो नौ सबसे पहले नौ ही आए आया तो उसके ऊपर उसके ऊपर भी कह नहीं होगा सिर्फ दस और आगे भी कह नहीं होगा अब यहाँ पर एक और दो तीन बने तीन लिख देते हैं कोई कैरी भी नहीं है इसका तीन और चार तीन और चार बने सात यहाँ पर हम लिखते हैं सात पांच छ बने ये हैं अगर पांच और पांच होते हैं तो दस होते हैं और अगर एक एक ज्यादा हो तो ग्यारह अब यहाँ पर हम लिखते हैं ग्यारह इसका भी कोई कैरी नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पर हम एक देते थे यहाँ पर भी एक लिख देते थे तो इसका कैरी होता हमने देखे अब यहाँ पर एक एक लिख दिया है अब देखें एक इसमें में देंगे कह तो एक बच गया ना इसका एक एक दो होते हैं तो एक क्या दी तो तीन होते हैं सही है यहाँ पर ग्यारह लिख लेते हैं सात और आठ पंद्रह सात और आठ पंद्रह यहाँ पर हम लिखते हैं आप पंद्रह यहाँ पर लिखते हैं हम उन्नीस नहीं बल्कि ये तो उन्नीस बने पर सिर्फ नौ लिखना है और यहाँ पर एक कोई कैरी नहीं कोई कैरी नहीं एक लिख देते दे हैं उन्नीस एक और दो कोई कैरी रही नहीं तीन एक, एक दो दो अब तीन आसानी से पता चलिएगा तीन सात सात या एक एक दो पांच और ग्यारह देखें पिछले में भी आया ग्यारह यहाँ पर हम देख देते हैं ग्यारह का एक यहाँ पर इसका कैदी होगा एक कैदी बच गया सकती देखिए एक पांच और छह ग्यारह एक क्या थी बच गया एक और एक दो और यहां पर एक एक क्या थी तीन दे, देखिए ये आज हमें हमने जमा के सवाल किए हुए और कल हम माइनस के सवाल करेंगे माइनस के माइनस का मतलब निकाल देना और प्लस का मतलब डाल देना आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें